welcome back to our next science class. So students, in last class we discussing about we start our chapter number 3, whose name is fibers to animals, okay? And we have already discussed about synthetic fibers and natural fibers and wool, okay? Now to be continue our next topic. So our next topic is factors that determine the quality of wool. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वूल होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वालिटी इज वूल इज स्केल स्ट्रक्चर, SCAD स्केल स्ट्रक्चर, STRUCTURE. स्केल स्ट्रक्चर, स्केल स्ट्रक्चर. गुड वूल फाइबर्स हैव, जो अच्छा फाइबर्स होता है, जो अच्छा ऊनी फाइबर्स होता है, हैव स्केल्स, उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे स्केल्स होते हैं, विच ओवरलेप लाइक सिंगल्स ऑफ अ रूप. वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनिंग होते हैं, ओवल रूप होते, ओवरलेप होते हैं, मीन्स उसके ऊपर लेयर टू लेयर लगी रहती है. ओके, अब सेकेंड आता है हमारा क्रिम्प. सेकेंड है हमारा क्रिम्प, CRIMP. The crimp of bands in wool fibers make it bulkier than, जो क्रिम्प वूल्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वूल फाइबर्स, बहुत सारे बेंड टाइप होते हैं, एक मतलब बोल सकते हैं अपन को रेशम टाइप, सॉरी एक लेयर टाइप होती है, एक ऊपर बेंड टाइप होते हैं. इट बुल्कर्स देन अदर टेक्सटाइल्स एंड हेल्प इन रिटेन हेड. जो क्या करते हैं, टेक्सटाइल जो कंपनी होती है, सॉरी जो टेक्सटाइल होती है जहां पे फाइबर्स बनता है, वहां पे उन्हें हीट करते, मीन्स उस उनको हीट करते वूल को. फाइनल क्वालिटीज ऑफ वूल है मोर क्रिम्स, और जो अच्छी क्वालिटी के वूल होते हैं बहुत ज्यादा क्रिम्स होते हैं, सिकुड़न टाइप की होती है उनके ऊपर. ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा डायमीटर. DIAMETER, डायमीटर. द डायमीटर ऑफ वूल फाइबर्स वेरियस फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर्स. द डायमीटर ऑफ वूल, जो वूल होता है, वूल फाइबर्स होता है, वेरियस अलग अलग प्रकार से होता है. 15 माइक्रोमीटर्स सुपर फाइन माइरिनो होता है, जो बहुत अच्छा होता है, 230 और मोर माइक्रोमीटर, और उसके अंदर 15 to 30 माइक्रोमीटर तक होता है और माइक्रोमीटर, और उससे ज्यादा भी हो सकता है. आगे आप लोगों को समझ में. अब इसका फोर्थ पॉइंट है लेंथ. लेंथ सभी को पता है, लेंथ लॉन्गर फाइबर्स मेक फाइनर वूल. जितने लंबे फाइबर्स होंगे उतने अच्छे वो ऊन बनाएंगे. लेंथ वेरियस फ्रॉम 6 inches to 15 inches, और उनकी लेंथ होती है 6 inches to 15 inches तक. ओके, अब उनका आता है नेक्स्ट पॉइंट कलर. वूल इज जनरली क्रीमी व्हाइट इन कलर. जो अधिकतर वूल होते हैं वो कलर में कैसे होते हैं, क्रीमी व्हाइट. ओके, क्रीमी व्हाइट देखा सभी ने, ना पूरे क्रीम में ना पूरे व्हाइट में. ओनली सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस ब्लैक, ब्राउन और ग्रे वूल. और इसके अलावा कुछ कुछ दूसरे शीप की जो नस्ल प्रजाति होती है वो कुछ कुछ कलर्स प्रोड्यूस करती है, जैसे ब्लैक, ब्राउन और ग्रे वूल. ओके, बाकी जो अधिकतर शीप होती है वो क्रीमी व्हाइट ही प्रोड्यूस करती है. तो आगे आपको समझ में वूल के डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ वूल. आगे आपको समझना, पहला है स्केल स्ट्रक्चर, सेकेंड क्राइम, थर्ड डायमीटर, फोर्थ लेंथ एंड फिफ्थ इज कलर. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वूल गिविंग एनिमल्स. वूल मतलब सभी को पता है ऊन, गिविंग मतलब देना, और एनिमल्स ऐसे एनिमल जो हमें ऊन देते हैं. ओके, तो फर्स्ट एनिमल इज शीप. सभी को पता है शीप के बारे में, हिंदी में बोलते हैं हम भेड़. वूल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम शीप. हमें जो वूल मिलता है अधिकतर हमें शीप से ही प्राप्त होता है. देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ शीप विच गिव वूल ऑफ वेरियस क्वालिटीज. और बहुत सारी शीप की वेराइटीज है जो हमें बहुत सारे वेराइटी, अलग अलग प्रकार के वेराइटीज के वूल देती है, जिनकी क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती है. ओके, अब सेकेंड एनिमल्स आता है गोट. गोट मीन्स होती है बकरी. जिस प्रकार बकरी दूध देती है उसी प्रकार बकरी हमें ऊन भी देती है. ओके, वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट इज कॉल्ड मोहेर. अब देखिए, बकरी में एक प्रजाति होती है अंगोरा गोट बोलते हैं, जिसे उससे हम बोलते हैं मोहेर. क्या बोलते हैं उसे हम, मोहेर. द फ्लीस इज वाइट, और जो उसका फ्लीस होता है, जो उसका ऊन होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, स्मूथ, लस्टर्स एंड हैज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. और जो उसके ऊन होते हैं, जो वूल निकलते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ
होते हैं, चिकने टाइप के होते हैं, लस्टर्स होते हैं, उनमें ज्यादा मतलब खिंचाव होता है एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, आप जितना चाहे उन्हें खींच सकते हैं। अंगोरा गोट इज फाइंड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो जो अंगोरा गोट होते हैं, जो अंगोरा बकरियां होती है, वो कहाँ पाई जाती है? अधिकतर हिली एरियाज में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। ओके, वूल फ्रॉम कश्मीर गोट विच इज फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ चाइना। और इसके अलावा एक और दूसरी गोट है कश्मीर गोट, जो कहाँ पाई जाती है? माउंटेन ऑफ चाइना एंड तिब्बत इज ऑल्सो हाईली वैल्यूड। जो कहाँ होती है? चाइना में होती है, चाइना के माउंटेन में एंड तिब्बत में भी पाई जाती है। कश्मीर पश्मीना एंड अदर गोट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर। अब जो कश्मीर और पश्मीना होती है, जो गोट्स होती है, उनके जो वूल होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और फाइन अंडर हेयर होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं बहुत ज्यादा फाइन होते हैं। देयर फ्लीस इज मेड इनटू एक्सपेंसिव फाइबर्स। और जो इनके फ्लीस निकलते हैं, जो ऊन निकलता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फाइबर रहता है, वो मीन्स बहुत ज्यादा महंगा रहता है। कश्मीर वूल कमेंट सम ऑफ द हाइएस्ट प्राइसेस इन द वर्ल्ड। और जो कश्मीर वूल होता है, जो निकलता है कश्मीर गोट से निकलता है, वो जो वूल होता है बहुत ज्यादा हाइएस्ट प्राइस होता है उसका इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। पश्मीना शॉल आर ऑल्सो क्वाइट रेयर एंड एक्सपेंसिव। और जो पश्मीना के शॉल बनते हैं, देखा हो सभी ने, शॉल तो सभी यूज करते हैं ठंड के दिनों में, जो शॉल्स बनते हैं बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, हमने क्या पढ़ा है आज? आज हमने पढ़ा है फैक्टर डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ वूल एंड